हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, हम जा रहे हैं रोज़ा इफ्तार करने। इफ्तारी करने जा रहे हैं हम, और देखते हैं मेन्यू अभी डिसाइडेड नहीं है, रास्ते में होगा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा प्लान है इफ्तारी बाहर करने का, और प्रिपरेशन हमने सारी कर ली है। तो हमारा प्लान है कहीं बीच फ्रंट पर जाकर इफ्तारी करने का, और साथ में हमने अपने साथ कैंप भी रख लिया है। कैंप जो कि मैंने तकरीबन एक साल पहले ख़रीदा था, जो हमारा प्लान बना था कि कभी के हम जो है आउटडोर कैंपिंग करें कहीं भी किसी भी जगह। तो कैंप तो रख लिया है, पर उसका जो है मतलब ओपनिंग सेरेमनी होना बाकी रह गई है। तो वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए हमने उसको बॉक्स समेत रख लिया है, बाकी देखेंगे। अगर हमें मौका मिला और दिल किया हमारा खोलने का, तो हम उसको भी वहाँ पर ट्राई करेंगे चल के। तो ये लाइट मैंने अभी लिए आते हुए रास्ते में, तो उसको मैं लगा रहा हूँ चार्जिंग पर, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा पुअर विजिबिलिटी हो, उसकी वजह से हमने अपना लाइट का अरेंजमेंट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने अफ्तारी अपनी अफ्तारी के साथ हम लोग क्या करते हैं कि रोज़ाना किसी न किसी एक शख्स के लिए एक सेपरेट कर देते हैं अफ्तारी, उसको मतलब देने के लिए। तो आज भी हमने ऐसे ही किया है। तो रास्ते में हम देखेंगे, अगर हमें कोई बंदा ऐसा कोई शख्स दिखता है जिसको हमें अफ्तारी देनी चाहिए, तो वो हम देख कर उसको अफ्तारी देंगे। तो अभी रास्ते में हम निकल चुके हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले कि हम उसको इफ्तारी दें। 5:02 हो गए, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। यस, कितनी दूर है? ओनली 5 मिनट रहते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। पक्का? पक्का। पूरी इफ्तारी का सामान जो है बांध लिया, और जैसा कि हमने कहा था कि हम देंगे किसी शख्स को, और वो हम दे रहे हैं। मिल गया है ना अब सामान? हाँ, मैं पूछ रहा था उससे, भाई रोजा रखा है ना। अभी हम अपनी जगह पकड़ते हैं, और मैं भी उठाती हूँ। ये है वो कारपेट नहीं चाहिए होगा? कारपेट है ना इसमें, इसमें कारपेट भी है। और नहीं, इसमें कारपेट छोटा वाला कारपेट है। ठीक है, टेंट? टेंट? आयो, जगह देखे, ओही बस जगह देखे। रोज आज यहाँ पे इफ्तार करने में कितना मजा आने वाला है। हाँ, गुरु हो जा शुरू वाला सीन है हबी के साथ अभी, और मुझे डांट पड़ने वाली है। टेंट मैं कैसे लगाऊंगी? हुई ये बहुत ऊपर नीचे वाली ये जगह है, तो मुझे ऐसा लगा मैं अभी गिर जाती। अभी के लगाएं प्लीज। ये जब से हबी ने लिया है और मैं हबी के पीछे लगी हूँ कि मुझे ये टेंट ओपन करके दिखाएं, जब लिया है तो इसको ओपन भी करके और यूज़ करके दिखाएं। ट्राई करते हैं। अरे तो भाई खोल रहा हूँ मैं आधा अधूरा टेंट हमारा भी खड़ा होगा। हबी कीले लगा रहा है इसके, अभी इसको स्ट्रेच करेंगे थोड़ा और शायद। हाँ। भाई आप, बहुत सीधा सा टेंट है ये। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, तो ऐसे ही होगा। ये भी तो नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने गलत लगाया? इसको फोल्ड कर लेते हैं। असल असल मामला तो इधर है यार। मुझे तो, मैं कह रही हूँ आपने स्ट्रेच नहीं प्रॉपर किया शायद टेंट को। हाँ, फिर आपकी इफ्तारी अंदर ही दे दी जाए। हाँ, आ जाओ।
तो फ्रेंड्स हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और ये मनाज़र हैं कुछ यहाँ के। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और इस टाइम में काफ़ी लोग भी आए हुए हैं, इधर मौजूद हैं काफ़ी, मतलब अफ्तारी के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पर अफ्तारी करने के लिए। पीछे आप देख रहे होंगे मैंने टेंट लगाया है, जैसा मैंने बताया था ओपनिंग सेरेमनी की है, तो इसका हम मज़ा लेंगे। पहले हमने कहा कि अफ्तारी का टाइम हो जाए, अफ्तारी हम बाहर ओपन में करते हैं, फिर उसके बाद हम टेंट में। तो हमने लाइट का भी इंतज़ाम किया हुआ है अपने साथ, तो लाइट भी है और फिर हम इधर अच्छा टाइम गुजारेंगे। तो स्टे ट्यून फ्रेंड्स, हमने अपनी अफ्तारी इधर बिछा ली है सफरे के ऊपर दस्तरखान पर, और इसमें हमारे पास है खजूर, दही भले, कोल्ड ड्रिंक है, इसमें हमारे पास शरबत है, स्मूदी है बेसिकली, इसमें है हमारा ब्लूबेरी और चिया सीड्स एंड वाटर, और यहाँ पर हमारे पास कुछ नमकीन है, केक है और बिरयानी आज हमने बनाई है इधर, वाइफ ने बिरयानी बनाई है बहुत अच्छी, बिरयानी है हमारे साथ और हमारे साथ है फ्रूट चाट। तो यही है हमारा आज का, और चाय भी हमारे साथ, चाय हम बाद में पियेंगे जब हम अफ्तारी अपनी पूरी कर लेंगे। तो बस थोड़ी ये थोड़ा सा ही टाइम रहेगी अफ्तारी में, तो अफ्तारी जैसी होती है हम अफ्तारी शुरू करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सीट कोई अभी के काम चेक करें पीछे से, टेंट जो है वो टूट गया है, मगर अभी को अब तक अभी क्या कर रहे हैं अभी को अपना ये उड़ाना है, तौबा है अभी हम कहीं पे भी घूमने के लिए जाएं, अभी सबसे पहले मौका ढूंढते हैं कि मैं किसी तरीके से ड्रोन उड़ाऊं। अभी आपको पता है पीछे टेंट जो है वो पूरा पूरा मिसमार हो चुका है, और मैंने बिरयानी उठा के अंदर रख दी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितनी ठंडी हवा है ना उसके हिसाब से खाना ठंडा हो जाएगा सारा। लैंडिंग, ये मेरे सर पे लैंडिंग करने वाला है क्या? अरे सीधा मेरे ऊपर ही आ रहा है, अभी अगर ये मेरे ऊपर आया मैं इसको मारूंगी। इतनी तेज हवा है बेचारा लैंडिंग नहीं कर पा रहा, बट अभी कहाँ उस पर तरस खाते हैं अभी कहते हैं तेज हवा में जा मेरे मुन्ने, जाके मेरे लिए अच्छे अच्छे शॉट्स लेके आओ यार इसको हाँ इसके अंदर सामान है, अगर आपने इसे बंद किया तो सामान भी अंदर कर दें वैसे बंद। रमजान के हवाले से बताता चलो, ये पूरे साल में एक महीना होता है, जैसे कि साल में 12 महीने होते हैं, ये एक महीना होता है हमारे पास खसूसी तौर पर इबादत के लिए, अच्छे काम करने के लिए, नेकियां करने के लिए, और अपने जो भी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक आप किसी की मदद कर सकते हैं तो वो भरपूर करें। बाकी इसके अलावा हर पूरे साल हम जो है, मतलब हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट आता है, अपनी बिजी लाइफ होती है उसमें, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल रूटीन से हट के जो रमज़ान के अंदर जो वर्क टाइमिंग है उनको स्क्वीज़ किया जाता है। तो बाकी 11 महीने आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम वर्क को देते हैं, काम को देते हैं। यही एक वाहिद महीना है जिसमें हम अल्लाह ताला के करीब आने का हमें मौका मिलता है, अल्लाह ताला की नेमतों से करीब आने का मौका मिलता है, क्योंकि इसमें आप इबादत भी कर रहे होते हैं, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, उमरा भी कर रहे होते हैं, रोज़ा भी रख रहे होते हैं। तो यही चीज़ है, वो भाई को दुआ में याद रखिएगा, अभी हम इफ्तारी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, उनको नेकियां कमाएं और मतलब ये अपने लिए भी दुआ करें, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदार के लिए दुआ करें। तो इफ्तारी हो गई है तो हम दुआ पढ़ते हैं। निकलने का वक्त आ गया, इसमें है हमारे पास चिकन बिरयानी और पोटैटो आलू की बिरयानी। आज साल में ये जो प्याज है ना, ये दाल पता नहीं पानी की जैसे दिख रहे हैं थोड़े इतने दाल हम कर चुके हैं, नमाज भी पढ़ चुके हैं,
अभी ने दोबारा से इसको सीधा करने की कोशिश की, मगर पता नहीं क्यों ये बैंड हुए चला जा रहा है। और एक बिल्ली आकर बैठ गई है यहाँ पर, जबकि हम सारा सामान फेंका है कचरे वाला, बट बिल्ली बैठी हुई है यहाँ पे खाने के चक्कर में। और इस बेचारे टेंट को देख देख के मुझे दुख हुए चला जा रहा है कि ये सीधा क्यों नहीं हो रहा। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सारे इफ्तारी के बाद घूम रहे हैं। फाइनली अभी ने इसको खूब अच्छी तरह खींच खांच के प्रॉपर बना दिया टेंट जैसा। चाय दूँ आपको? बहुत ही जद्दोजहद के बाद जाके ना इसको हमने अपनी जगह पे लेके आए, बट पता नहीं क्यों ये फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो कुछ, मगर सही है, पहले से तो बेहतर है। ठीक है, बेसिकली ये दो बंदों के लिए और सूटेबल भी दो बंदों के लिए, हम भी दो बंदे और हम फिलहाल बाहर इंजॉय करते हैं फिर देखते हैं। और आज हवा भी तेज़ चल रही है, काफ़ी ठंडी भी है, फिलहाल बाहर मजा लेते हैं। पूरा फुल करना है? आपकी मर्जी, मैंने चाय ले लिया। टी टाइम। केक मैं खोल चुकी हूँ, आपका इफ्तिताह हो चुका है एक केक का। बेहतरीन। दूसरा प्लेन वाला है, अगर आपको वो वाला लेना है तो वो ओपन नहीं हुआ। बिल्ली को भी दिया था मैंने इसी में से, बिल्ली ने नहीं खाया। थोड़ा सा ही खाना होता है क्योंकि मुझे खाली चाय पसंद नहीं है, बिस्किट होना चाहिए, केक होना चाहिए, अच्छा लगता है। अभी बाहर ड्रोन उड़ा रहे और मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ। मैंने ये बिछा लिया है यहाँ पे, एक यहाँ पे मैट था हमारे पास छोटा सा, ये मैट मैंने बिछा लिया फुल। अपनी जो इसका बॉक्स था जिसमें ये टेंट था उसके ऊपर मैंने वो अपनी टेबल बना लिया और ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख के बाहर वाली चीज़ें सारी सिक्योर करके, बाहर वाली चीज़ें आपको दिखाती हूँ, बाहर इस तरीके से सब चीज़ें सिक्योर करके और मैं अंदर टेंट के आ गई और हबी बाहर ड्रोन उड़ा रहे हैं और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गुड़िया का घर नहीं होता उसके अंदर बैठी हुई हूँ। अच्छा खासा बड़ा टेंट है ये देखें पूरा, ये एक बंदा आराम से लेट जाए और मतलब दो बंदे आराम से पूरे लेट जाएं इसके अंदर ना। असल में ये टेंट अभी तक ना हमसे पूरा प्रॉपर स्ट्रेच होके नहीं लगा हुआ, मगर फिर भी जो है जैसे भी लगाया अभी ने, इसके अंदर आराम से दो बंदे लेट सकते हैं। और उसके बावजूद देखें वहाँ पे जैसे मैंने वही पूरा इसका बॉक्स और ये सामान वगैरह रखा हुआ है फिर भी जगह। और मैं अभी वहाँ पे इतनी सारी जगह है बट मैं वहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे होके नहीं बैठ रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुड़िया के घर के अंदर नहीं बैठे हुए होते, उस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं इसमें बैठ कर। और अभी बाहर उनके साथ खड़े हुए ड्रोन उनको ड्रोन उड़ा के दिखा रहे हैं, वो लोग बाहर खड़े हुए और अभी उनको ड्रोन उड़ा के दिखा रहे हैं। उन्होंने हमारी सारी ये सारा स्ट्रेच करके दिया टेंट। तो फ्रेंड्स ये मनाजिर हैं हमारे टेंट के और बेसिकली हमारा ये आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और इससे पहले हमें नहीं आइडिया था कि भाई ये किस तरीके से लगाना, क्योंकि एक डेढ़ साल से मेरे लेके रखा हुआ था और पर इसको यूटिलाइज़ कहीं नहीं किया। मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इस तरह की कैंपिंग का, आउटडोर बारबेक्यू का, इस तरह की चीज़ों का, तो मुझे भी था पर मैं क्योंकि असल में थोड़ा सा डे टू डे एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं टायर्ड होता हूँ, उसकी वजह से ये नहीं ऐसी चीज़ें नहीं कर पाता। तो आज मौका मिला था, हमने कहा आज वीकेंड भी है और आगे दो छुट्टियाँ भी हैं तो हम इसको चलें आज यूटिलाइज़ करते हैं और देखते हैं क्या मनाजिर बनते हैं। तो ये है मनाजिर, तो हम इधर अपना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, रेस्ट करते हैं। अब पूरे तरीके से हमारा जो टेंट है वो सेटल्ड हो चुका है और हम इंजॉय करते हैं। तो आज का सफ़र यहीं तक का था, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाजम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।